गिनती की पुस्तक अध्याय 18, गिनती की पुस्तक अध्याय 18। फिर यहोवा ने हारून से कहा कि पवित्र स्थान के अधर्म का भार तुझ पर और तेरे पुत्रों और तेरे पिता के घराने पर होगा, और तुम्हारा याजक कर्म के अधर्म का भार भी तेरे पुत्रों पर होगा, और लेवी का गोत्र अर्थात तेरे मूल पुरुष के गोत्र वाले जो तेरे भाई है उनको भी अपने साथ ले आया कर, और वे तुझसे मिल जाए और तेरी सेवा टहल किया करे, परंतु साक्षी पत्र के तंबू के सामने तू और तेरे पुत्र ही आया करे, जो तुझे सौंपा गया है उसकी और सारे तंबू की भी वे रक्षा किया करे। परंतु पवित्र स्थान के पात्रों के और वेदी के समीप न आए, ऐसा न हो कि वे और तुम लोग भी मर जाओ, सो वे तुझसे मिल जाए, और मिलाप वाले तंबू की सारी सेवकाई की वस्तुओं की रक्षा किया करे। परंतु जो तेरे कुल का न हो वह तुम लोगों के समीप न आने पाए, और पवित्र स्थान और वेदी की रखवाली तुम ही किया करो, जिससे इसराइलियों पर फिर कोप न भड़के, परंतु मैंने आप तुम्हारे लेवी भाइयों को इसराइलियों के बीच से अलग कर लिया है, और वे मिलाप वाले तंबू की सेवा करने के लिए तुमको और यहोवा को सौंप दिए गए हैं, पर वेदी की और बीच वाले पर्दे के भीतर की बातों की सेवकाई के लिए तू और तेरे पुत्र अपने याजक पद की रक्षा करना और तुम ही सेवा किया करना, क्योंकि मैं तुम्हें याजक पद की सेवकाई दान करता हूं, और जो तेरे कुल का न हो वह यदि समीप आ जाए तो मार डाला जाए। फिर यहोवा ने हारून से कहा, सुन, मैं आप तुझको उठाई हुई भेंटे सौंप देता हूं, अर्थात इसराइलियों की पवित्र की हुई वस्तुएं जितनी हो उन्हें मैं तेरा अभिषेक वाला भाग ठहराकर तुझे और तेरे पुत्रों को सदा का हक करके देता हूं। जो परम पवित्र वस्तुएं आग में होम न की जाएगी वे तेरी ही ठहरे, अर्थात इसराइलियों के सब चढ़ावों में से उनके सब अन्न बलि, सब पाप बलि और सब दोष बलि जो वे मुझको दे देते हैं वह तेरे और तेरे पुत्रों के लिए परम पवित्र ठहरे। उनको परम पवित्र वस्तु जानकर खाया करना, उनको हर एक पुरुष खा सकता है, वे तेरे लिए पवित्र है। फिर ये वस्तुएं भी तेरी ठहरे, अर्थात जितनी भेंटे इसराइली हिलाने के लिए दे उनको मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके देता हूं। तेरे घराने में जितने शुद्ध हो वह उन्हें खा सकेंगे। फिर उत्तम से उत्तम ताजा तेल और उत्तम से उत्तम नया दाख मधु और गेहूं, अर्थात इनकी पहली उपज जो वे यहोवा को दे वह मैं तुझको देता हूं। उनके देश के सब प्रकार की पहली उपज जो वे यहोवा के लिए ले आए वह तेरी ही ठहरे। तेरे घराने में जितने शुद्ध हो वे उन्हें खा सकेंगे। इस्राएलियों में से जो कुछ अर्पण किया जाए वह भी तेरा ही ठहरे। सब प्राणियों में से जितने अपनी मां के पहलौठे हो, जितने लोग यहोवा के लिए चढ़ाए, चाहे मनुष्य के चाहे पुरुष के पहलौठे हो, वे सब तेरे ही ठहरे। परंतु मनुष्यों और अशुद्ध पशुओं के पहलौठों को दाम लेकर छोड़ देना, और जिन्हें छुड़ाना हो जब वे महीने भर के हो तब उनके लिए अपने ठहराए हुए मोल के अनुसार, अर्थात पवित्र स्थान के 20 गेरा के शेकेल के हिसाब से 5 शेकेल लेके उन्हें छोड़ना, पर गाय व भेड़ी व बकरी के पहलौठों को न छोड़ना, वे तो पवित्र है। उनके लहू को वेदी पर छिड़क देना और उनकी चर्बी को हव्य करके जलाना, जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो। परंतु उनका मांस तेरा ठहरे, और छिलाई हुई छाती और दहिनी जांग भी तेरी ही ठहरे। पवित्र वस्तुओं की जितनी भेंटे इसराइली यहोवा को दे उन सबों को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके दे देता हूं। यह तो तेरे और तेरे वंश के लिए यहोवा की सदा के लिए नमक की अटल वाचा है। फिर यहोवा ने हारून से कहा, इसराइलियों के देश में तेरा कोई भाग न हो और
न उनके बीच तेरा कोई अंश होगा, उनके बीच तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूं। फिर मिलाप वाले तम्बू की जो सेवा लेवी करते हैं, उनके बदले मैं उनको इसराइलियों का सब दशमांश उनका निज भाग कर देता हूं, और भविष्य में इसराइली मिलाप वाले तम्बू के समीप न आए, ऐसा न हो कि उनके सिर पर पाप लगे और वे मर जाए। परंतु लेवी मिलाप वाले तम्बू की सेवा क्या करे और उनके अधर्म का भार वे ही उठाया करे, यह तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि ठहरे और इसराइलियों के बीच उनका कोई निज भाग न हो, क्योंकि इसराइली जो दशमांश यहोवा को उठाई हुई भेंट करके देंगे उसे मैं लेवियों को निज भाग करके देता हूं। इसलिए मैंने उनके विषय में कहा है कि इसराइलियों के बीच कोई भाग उनको न मिले। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू लेवियों से कह कि जब जब तुम इसराइलियों के हाथ से वह दशमांश लो जिसे यहोवा तुमको तुम्हारे निज भाग करके उनसे दिलाता है, तब तब उसमें से यहोवा के लिए एक उठाई हुई भेंट करके दशमांश का दशमांश देना, और तुम्हारी उठाई हुई भेंट तुम्हारे हित के लिए ऐसी गिनी जाएगी जैसा खलिहान में का अन्न व रसकुंड में का दाखरस गिना जाता है। इस रीति तुम भी अपने सब दशमांशों में से जो इसराइलियों की ओर से पाओगे यहोवा को एक उठाई हुई भेंट देना, और यहोवा की यह उठाई हुई भेंट हारून याजक को दिया करना। जितने दान तुम पाओ उनमें से हरेक का उत्तम से उत्तम भाग जो पवित्र ठहरा है सो उसे यहोवा के लिए उठाई हुई भेंट करके पूरी पूरी देना। इसलिए तू लेवियों से कह कि जब तुम उसमें का उत्तम से उत्तम भाग उठाकर दो, तब यह तुम्हारे लिए खलिहान में के अन्न और रसकुंड के रस के तुल्य गिना जाएगा, और उसको तुम अपने घरानों समेत सब स्थानों में खा सकते हो, क्योंकि मिलाप वाले तंबू की जो सेवा तुम करोगे उसका बदला यही ठहरता है। और जब तुम उसका उत्तम से उत्तम भाग उठाकर दो, तब उसके कारण तुमको पाप न लगेगा, परंतु इसराइलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं को अपवित्र न करना, ऐसा न हो कि तुम मर जाओ।